आन के इंस्ट्रक्टर साहबानों को भारतीय विद्या मंडल के इस कैंपस में स्वागत की अनुभूति दिलाते हुए मैं हर्षित हूँ। यहाँ पर आज जिसको मेहमान किया जा कहा जा सके ऐसा कोई नहीं है। इस गुरुकुल के इस कैंपस के आदरणीय चेयरमैन श्री अरविंद भाई भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके वरद हस्तों से ये पूजा हुई है। ये भी हमारे परिवार के, जिस परिवार में हम खड़े हैं उस भारतीय विद्यामंडल परिवार के कुलपति हैं, वो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है। उनके साथ जो पूजा में शामिल थे कर्नल ऋषिक पांड्या, वो भी इसी परिवार से हैं, जो यूनिफॉर्मधारियों की ये जो फौज है। उनके साथ उपस्थित आन का कोई भी सदस्य परिवार के बाहर का नहीं है, और परिवार क्षेत्र के बाहर से किसी मेहमान को न बुलाने का एक कारण है, और कारण यह है कि इस साल एनसीसी, उसका पुरोगामी संगठन यूनिवर्सिटी कोर, जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी, आज अपना 100वां साल समाप्त कर रहा है। और यह परिवार की बात है, परिवार का उत्साह है, इसलिए परिवार के बाहर जब तक उत्साह का वातावरण पूरे भारतवर्ष में न छा जाए तब तक जाना उचित नहीं होगा। 2017 में जब हम ये पूजा करने के लिए आज इकट्ठे हो रहे हैं 30 सितंबर को, तो 1992 से इस कैंपस पे पूजा की जो शुरुआत हुई थी उसका भी 25 साल यानी कि सिल्वर जुबिली उसको भी खत्म हो रहे हैं, तो ये पूजा के भी 25 साल इसी साल खत्म हुए, यानी कि 100 साल के इतिहास में 25 साल तो इस पूजा के भी, इस कैंपस में उपस्थिति के भी है। और ये जो पूजा है, जो 10 दिन युद्ध चला था राम और रावण के बीच, और जो 10 दिन का युद्ध है दुर्गा और महिषासुर के बीच, ये दोनों युद्धों का एक ही संदेश है। रामायण का युद्ध तो बिल्कुल स्वयं स्पष्ट है, वेदर माइट इज राइट और राइट इज माइट, क्या आप किसी साम्राज्य के ताकतवर बादशाह हो, राजा हो, सम्राट हो, आपको 10 सर हो, इतनी बुद्धि हो, आप में 20 बाहु हो, जितनी ताकत हो, तो आप किसी औरत का अपहरण करके अपने राज्य में उसको उठा करके ले जा सकते हो। वेदर माइट इज राइट या वेदर राइट इज माइट, कि पिता के वचन पर राज्य को त्यागा हुआ कोई जंगल में भटकता हुआ वन वन विचरता हुआ राजकुमार हो, जिसकी पत्नी का अपहरण हो गया हो, न सेना हो, न सेनापति हो, न शस्त्र हो, तो क्या हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहना धर्म है? कि जहां पर सेना नहीं हो तो नर क्या वानरों की भी सेना खड़ी करके, हथियार न हो, पुल न हो, तो दरिया के ऊपर पुल बना करके भी पूरी फौज को दुश्मन के इलाके में ले जाते हुए समर्थ राक्षस दुश्मन के हाथों से अपनी विवाहिता को मुक्त करवाना। वेदर राइट इज माइट, आप सही हो, यही आपकी ताकत है। इन दोनों सिद्धांतों के बीच का द्वंद्व युद्ध यानी रामायण है। और दशहरे का यह दिन पुकार पुकार कर कहता है कि जो पशु बल है, जो पशु की ताकत है, वो सर्वस्व नहीं है, लेकिन जो सत्य की ताकत है वही आखिर में विजेता होती है। और इसीलिए भारत का मुद्रा लेख भी सत्यमेव जयते है, क्योंकि ताकत से जीत हासिल हो सकती है, लेकिन वो जीत तब तक मायने नहीं रखती है जब तक कि वो जीत सत्य के पक्ष में रहकर के हासिल नहीं की हो। इसलिए माइट इज राइट और राइट इज माइट की टक्कर में आज का दिन ये याद करने का दिन है, जब हम शस्त्रों की पूजा करते हैं, कि राइट जो सत्य है वही ताकतवर है, वही माइट है। और चाहे कितने भी ताकतवर या निर्बल क्यों ना हो आप, जिसको अबला कहते हैं, गलत तरीके से ऐसी नारी हो जो कि अगर उसका हाथ भी अग्नि को लग जाए या गर्म कुकर को लग जाए तो घर उठा लेती है सर के ऊपर, फ्रिज का पानी या बर्फ या जेल पैक या पता नहीं चीखा चीख क्या क्या, वही अबला नारी कही जाने वाली स्त्री जब माँ बनती है और जलते हुए घर में अगर उसका बच्चा हो
तो ज्वालाओं की परवाह किए बगैर वो घर के भीतर भागती है और अपने बच्चे को अंदर से उठा करके बाहर सही सलामत ले आती है। तो ये जो ताकत है, जब अपने बच्चों के ऊपर आक्रमण होता है तो नारी का शक्ति स्वरूप बाहर आता है, अबला का भी शक्ति स्वरूप बाहर आता है और वो ताकतवर बनकर के जो अपराजेय है ऐसे दुश्मन का मुकाबला करती है, महिषासुर का मुकाबला करते हुए उसको 10 दिन के जंग में परास्त करती है। वो दुर्गा भवानी, वो माँ अम्बा, उसके विजय का भी यह पर्व है। इन पर्वों के उत्साह से सेलिब्रेट करने के कारण हमारे भीतर भी शक्ति का और परिवार के भीतर भी शक्ति का निर्माण होता है। हम अपने आप को समझ पाते हैं, अपने आसपास की संसार को समझ पाते हैं और श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्य के प्रति उन्मुख होते हैं और कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। ये जो 100 साल है उसमें यूनिवर्सिटी कोर से लेकर के एनसीसी तक की इस यात्रा ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है। आज का प्रधानमंत्री, द रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ टुडे, श्री नरेंद्र भाई मोदी, एनसीसी के कैडेट, कभी ऐसे ही किसी रैंक और फाइल में वड़नगर की किसी स्कूल में जेडी के यूनिफॉर्म पहन करके परेड किया करते थे। वर्तमान से लेकर के हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री, इतिहास के पाठ्य पुस्तक पढ़ करके आप कह सकते हो कि उनका नाम श्री जवाहरलाल नेहरू था, वैसे इसमें अर्ध सत्य भी है, लेकिन पूरी सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान का सबसे पहला प्रधानमंत्री जो वजीर आजम था, वो यूनिवर्सिटी कोर की सबसे पहली पलटन वन बंगाल बॉयज, उसकी अल्फा कंपनी जो कि स्कॉटिश चर्च कॉलेज में कलकत्ता में एस्टैब्लिश हुई थी, उस अल्फा कंपनी के फर्स्ट प्लेटून का फर्स्ट कैडेट था, जो कि हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री था जिसने तिरंगे को हिंदुस्तान की स्वतंत्र जमीन पर, चाहे वो छोटा सा ही जमीन का टुकड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसने फौजी बल से जीता हुआ, अंग्रेजों से छीना हुआ ऐसा जमीन का टुकड़ा इसके ऊपर तिरंगा फहरा करके आजाद हिंदुस्तान का सबसे पहला राष्ट्रगीत, सब सुख चैन की बरखा बरसे भारत भाग्य है जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, तेरे ही गुण गावे तुझसे जीवन पावे तव चरणे नत माथा, ये जो पहला राष्ट्रगीत था वो भी तिरंगा फहरा करके पूरे मिलिट्री ऑनर्स के साथ उसने गाया था और सलामी दी थी। और हिंदुस्तान की सबसे पहली आज़ाद सेना, 56,000 योद्धाओं ने इंडियन नेशनल आर्मी के जिसको सलामी दी थी और अंग्रेज़ों की रूह जिसको देख करके कांपी थी, जिनकी ताकत को देख करके, और बैटल ऑफ इम्फाल में उस 56,000 में से 28,000 लाशें गिरा करके जिन्होंने आज़ादी जीती है, ऐसे सुभाष बोस जिनको दुनिया की कई सरकारों ने, उस समय की जर्मनी ने, इटली ने, उस समय की जापान की सरकार ने मान्यता दे रखी थी हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री की, वो भी एनसीसी ने दिया है। तो सबसे पहला प्रधानमंत्री और आज का अर्वाचीन प्रधानमंत्री, ये दोनों हिंदुस्तान के मां भारती के चरणों के ऊपर भेंट चढ़ाने का कर्तव्य जिस संगठन ने किया है, वो संगठन अपने 100 साल सेलिब्रेट करने जा रहा है। ये प्रजा का उत्सव हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन नहीं है आज, लेकिन ये आपका और मेरा उत्सव है, इस परिवार का उत्सव है। और इस दशहरे हम इस उत्साह से उत्सव की शुरुआत करते हैं, सेंटेनरी सेलिब्रेशन की, और अगले दशहरे के दिन जब हम यहाँ पर इकट्ठा होंगे तो इस सेलिब्रेशन की हम पूर्णाहुति करेंगे। 16 दिसंबर 2017 आने वाले दिसंबर में 100 सेक्शंस मार्च करेगी सूरत शहर में, मोस्ट प्रोबेबली वनिता विश्राम ग्राउंड या पुलिस परेड ग्राउंड से। 1,000 flags, 1,000 cadets जो कि आपके सिखलाए हुए लोग हैं, और वो 100 ईयर्स के सेलिब्रेशन का एक हिस्सा है। 100 schools अक्रॉस सूरत में, 100 orators अपने इतिहास की बात आने वाली पीढ़ियों तक ले जाएंगे, कोई भूज में, कोई दमन में, कोई अमरेली में, कोई अहमदाबाद में, कोई बड़ौदा में, तो कोई बलसार में, और ये भी सेलिब्रेशन का एक हिस्सा होगा। वी विल सेलिब्रेट दिस ओकेजन इफ नो वन एल्स। मैं यहाँ पर, आप सब आए हो, उपस्थित हुए हो, श्री भारतीय विद्या मंडल के चेयरमैन श्री उपस्थित हुए, और अंडमान की जिस आज़ाद भूमि में, जिस द्वीप का नाम ही आज़ाद था, उस भूमि में जहाँ पर सुभाष
के कदम गए थे कोहिमा के उपरांत। ऐसी दूर के इलाके से आए हुए मेरे परिवार के अन्य सदस्य का जिनमें से कोई तो पहली बार आए हुए हैं, ऐसे मेरे सभी स्वजनों का और आप गुजरात के कोने कोने से आए हुए मेरे आन के सभी परिवार के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए मैं इस पूर्णाहुति को शुभारंभित घोषित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।